Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar by Brain Root series. This is your book, Grammar Glitter Odyssey, and this is book 2. Today we will learn chapter number 5 and the name of the chapter is Nouns, Proper and Common. Naming words are called nouns. तो नेमिंग वर्ड्स जितने भी होते हैं उन्हें नाउन कहते हैं. नेम ऑफ ऑल द पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर नेमिंग वर्ड्स या फिर नाउन. तो किसी पर्सन के नाम को, किसी प्लेस के नाम को, किसी एनिमल के नाम को या फिर किसी थिंग के नाम को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं. कौन कौन से एग्जाम्पल है? जैसे राहुल एक पर्सन का नाम है, दिल्ली एक प्लेस का नाम है, ताजमहल एक थिंग है. ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो नेमिंग वर्ड्स कहलाती हैं. नाउन कैन बी प्रॉपर और कॉमन. नाउन ये जो नेमिंग वर्ड्स है या जो नाउन है इन्हें प्रॉपर भी कह सकते हैं, कॉमन भी कह सकते हैं. प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट प्रॉपर नाउन्स. Proper noun is a special name given to a person, place, animal or thing. Proper noun क्या है? एक special नाम दिया है किसी भी person को, place को, animal को या फिर thing को. Example, PVR Mall एक जगह का नाम है. Raj एक person का नाम है. Mount Everest एक thing है. Some proper nouns. अब कौन कौन से proper nouns है? Let's read. नेम ऑफ मंथ. मंथ्स के जो नेम होते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे प्रॉपर नेम्स होते हैं. नेम ऑफ डेज. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन्स. नेम ऑफ रिवर. गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ये सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन्स हैं. नेम ऑफ कंट्रीज. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा. नेम ऑफ सिटीज. मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, ये सारे क्या हैं? प्रॉपर नेम्स. नेम ऑफ फेस्टिवल. होली, दिवाली, ईद, दशहरा. नेम ऑफ प्रोडक्ट्स. हॉर्लिक्स, पार्ले जी, ओरियो जो आप बहुत ज्यादा खाते हो, सो ये सारे क्या हैं? प्रॉपर नेम्स. और नेम ऑफ कंपनीज. मारुति, रिलायंस, ये जितनी भी कंपनी के नाम हैं ये भी प्रॉपर नेम्स हैं. Now let's fill in the correct proper name on this card. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना डिटेल डालनी है. So first you have to fill your name here. So let's imagine your name is Rohit Kumar. So first word should be capital. Your father's name you have to write here. So you will write Mr. Amit Kumar. आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स लिखनी है. मदर्स नेम में अपनी मम्मी का नाम लिखना है मिसेस अनीता कुमारी. आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है डीपीएस स्कूल. एंड देन अपनी प्रिंसिपल का नाम लिखना है. मिस्टर है तो मिस्टर और मिसेस है तो मिसेस. और फिर अपनी प्रिंसिपल का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है. Next exercise is underline proper nouns in the following sentences. तो याद करना है proper noun हमेशा capital से start होते हैं. तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए. फटाफट से चलिए ढूंढते हैं कौन से हैं proper nouns. I love my India. तो India जो है capital से है. India एक proper noun है. Shruti lives in Devpuri. तो श्रुति एक नेम है वो कैपिटल में है. देवपुरी एक नेम है वो भी कैपिटल में है. तो दोनों को हम अंडरलाइन कर देते हैं. द गंगा इज द होली रिवर. तो यहाँ पे गंगा है हमारा प्रॉपर नेम. निहारिका इट्स ब्रिटानिया ब्रेड. तो निहारिका एक पर्सन का नाम है, ब्रिटानिया एक कंपनी का नाम है. तो चलिए दोनों को अंडरलाइन करते हैं. मनी वॉज बॉर्न इन फेब्रुअरी. मनी एक पर्सन है और फेब्रुअरी एक मंथ का नाम है. ताज इज इन आगरा. ताज एक बिल्डिंग का नाम है और आगरा एक जगह है. तो दोनों को ही हम अंडरलाइन करते हैं क्योंकि दोनों ही प्रॉपर नाउन्स हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉमन नाउन्स.
तो कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इन कॉमन. जैसे कि मॉल, बॉय, माउंटेन एंड मेनी अदर्स. तो मॉल, अगर मैंने बोला मॉल तो कोई भी मॉल हो सकता है वो. बॉय बोला तो कोई भी बॉय हो सकता है. और माउंटेन बोला तो किसी भी माउंटेन की बात हो सकती है. तो जहां पे हमें ये ना पता हो कि किस मॉल की बात हो रही है, किस बॉय की या फिर किस माउंटेन की बात हो रही है, वहां पे हम उन इन वर्ड्स को कॉमन नाउन्स कहते हैं. कॉमन नाउन्स डू नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर. कॉमन नाउन कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते हैं. तो चलिए लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. राइट थ्री कॉमन नाउन्स फॉर ईच ग्रुप. हर ग्रुप के लिए कुछ कॉमन नाउन्स लिखने हैं. तो मैं जो है थोड़े थोड़े करूंगी और आप बाकी खुद से करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वन इज यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ पीपल. तो यहाँ पे आएगा बॉय, गर्ल, और क्या आएगा वो आप लिखेंगे थर्ड वन. एनिमल की बात हो रही है तो कैट, डॉग, थर्ड एनिमल आपको लिखना है. बर्ड की बात हो रही है तो पीकॉक, हेन. नेक्स्ट इंसेक्ट्स की बात हो रही है, लेडी बग, स्नेल. नेक्स्ट है प्लेसेस की बात हो रही है तो स्कूल, मार्केट. ये सारे क्या हैं? कॉमन नेम्स. नाउ रिवर्स की बात हो रही है, लेक, पॉन्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू डी एक्सरसाइज. सर्कल द कॉमन नेम्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें हमें कॉमन नेम्स को फिल करना है, सर्कल करना है. अब हेन ईट्स ग्रेन्स, तो हेन एक कॉमन नेम है और ग्रेन भी एक कॉमन नेम है. नेक्स्ट द डॉग रैन अवे, यहाँ पे कौन सा कॉमन नेम है? डॉग. थर्ड वन, लुक एट द फ्लावर, कॉमन नेम है फ्लावर. दिस इज अ ब्लू पेन, तो यहाँ पे कॉमन नेम है पेन. शी हैज अ बिग बैग, बैग क्या है? कॉमन नेम. द बुक्स आर ऑन द टेबल, तो बुक्स कोई भी बुक हो सकती है, टेबल भी कोई हो सकती है, तो दोनों है कॉमन नेम्स. पिक अप द सॉक्स, कोई भी सॉक्स हो सकते हैं. एंड रीता लाइक्स फ्रूट्स, तो कोई भी फ्रूट हो सकता है. So these are the common names. Now next exercise is put the word given in the box in the correct column. So ये जो words दिए गए हैं box में, इन्हें इनके correct columns में लिखना है. So proper names यहाँ पे, common names यहाँ पे. First word is Komal. तो Komal क्या है? किसी person का नाम. तो कहाँ आएगा ये? Proper name में. Next is garden. Garden एक जगह है, कौन सी जगह? कौन से गार्डन की बात हो रही है? नहीं पता. सो ये आएगा कॉमन नेम. मिसेस सिन्हा, तो मिसेस सिन्हा एक पर्सन का नाम है, आपको पता है किसकी बात हो रही है, तो प्रॉपर नेम. मार्केट, कौन से मार्केट की बात हो रही है? नहीं पता. रिहान एक पर्सन का नाम है. सोनल एक पर्सन का नाम है. चांदनी चौक ये एक जगह का नाम है. बेडशीट, कौन से बेडशीट की बात हो रही है? नहीं पता. सो दिस इज अ कॉमन नेम. टीचर, किस टीचर की बात हो रही है? नहीं पता. सो दिस इज ऑल्सो अ कॉमन नेम. गर्ल, कौन से गर्ल की बात हो रही है? नहीं पता. सो दिस इज ऑल्सो अ कॉमन नेम. जैक, जैक एक पर्सन है. And the last one is city. कौन सी city की बात हो रही है? We don't know. So these are the proper names and these are the common names. Now let's move on to F exercise. Fill in the blanks with proper or common names as required. So today is Dash birthday. किसका birthday? लिख देते हैं किसी का भी नाम. Ravi's birthday. My pet cat's name is
डॉरी, तो मैं मेरी पेट कैट का नाम है डॉरी। डैश मेक्स हनी, हनी बनाता है कौन? बीज मेक हनी। कंगारूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। डैश इज आवर नेशनल फ्लैग, तिरंगा। डैश इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। एंड आवर नेशनल फ्लावर इज लोटस। सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जी एक्सरसाइज। Write P for proper noun and C for common noun for these pictures. तो पहली पिक्चर किसकी है? ताज महल की। तो क्या ये प्रॉपर नाउन है कॉमन नाउन? प्रॉपर नाउन, सो लेट्स राइट पी। नेक्स्ट इज कंप्यूटर, तो कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज बैग, कोई भी बैग हो सकता है, कॉमन नाउन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी, क्या कोई भी हो सकते हैं? नो, तो ये है प्रॉपर नाउन। स्कूल, कोई भी स्कूल हो सकता है, तो कॉमन नाउन। माउंटेन, कोई भी माउंटेन हो सकता है, तो ये भी कॉमन नाउन। नाउ लेट्स लर्न अबाउट पीपल हु हेल्प अस, वो लोग जो हमारी हेल्प करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हेल्प अस इन आवर कम्युनिटी एंड इट्स ग्रेट टू लर्न अबाउट हाउ दे हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारी डेली हेल्प करते हैं। कोई आता है हमारे घर मिल्क पहुंचाने, कोई न्यूज़पेपर देता है, कोई हमारे घर से कूड़ा ले जाता है, कोई कुछ और काम करता है, कहीं प्लम्बर आता है, कभी गार्डनर आता है। तो ये सारे लोग कौन है जो हमारी हेल्प करते हैं? तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। सम ऑफ दीज पीपल हेल्प अस इन इमरजेंसी लाइक फायर फाइटर, पुलिस एंड डॉक्टर। तो फायर फाइटर, पुलिस और डॉक्टर क्या है? इमरजेंसी की केस में हमारी हेल्प करते हैं। नॉकर अप्स वेयर पीपल एम्प्लॉयड एज अलार्म क्लॉक्स to wake people for going to work before clocks were used. तो पहले क्या है, जब clocks नहीं थे, जब घड़ियां नहीं थी, तो उस समय कुछ लोग थे जिन्हें knocker ups कहा जाता है, उन्हें रखा गया था ताकि वो लोगों को as an alarm clock उठा सके, ताकि वो लोग जल्दी से time पे अपने office या अपने काम पे जा सके। They would knock and beat the doors. वो लोग क्या करते थे, दरवाजे को खूब पीटते थे ताकि घर में रहने वाला जो पर्सन है वो उठ सके और वो अपने काम पे जा सके। नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज, रीड एंड मैच। तो चलिए यहां से रीड करेंगे और वहां पे चलेंगे मैच करेंगे। ही प्रोटेक्ट्स अस, हमें बचाता है, कौन बचाता है? पुलिस ऑफिसर। तो लेट्स राइट फाइव। He works with animals. Animals के साथ work करता है कौन? Vet. So this is number 10. She cooks food. खाने को बनाती है, कौन बनाता है? Cook. Number 1. He bakes bread. Bread को bake करता है कौन? Baker. Number 4. He delivers letter. Letter को देता है कौन? पोस्टमैन। ही सेल्स मीट, मीट को सेल करता है बुचर। शी टीचेस चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाती है, कौन पढ़ाती है? टीचर। शी वर्क्स इन एन ऑफिस, ऑफिस में काम करती है कौन? सेक्रेटरी। ही वॉचेस द स्ट्रीट एंड बिल्डिंग, स्ट्रीट और बिल्डिंग का ध्यान रखता है कौन? गार्ड। नंबर 9। एंड ही ड्राइव्स अ बस, बस को ड्राइव करता है कौन? बस ड्राइवर। नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर ऑफ द पीपल हु हेल्प अस एंड राइट देयर नेम्स। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, उनके नाम लिखते हैं। चलिए तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रीशियन, ELECTRICIAN, इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट इज डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। नेक्स्ट क्या है, पायलट, PILOT, पायलट, जो एरोप्लेन को उड़ाता है।
So with this, children, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.